गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आपकी हॉलीडेज़ बहुत अच्छे से जा रही हैं, है ना? इन्जॉय कर रहे हो अपने हॉलीडेज़ को और अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हो? यस। चलिए मैम, आज आपको थोड़ा सा वर्क करवाएंगे, ओके? क्योंकि थोड़ी सी रीडिंग हमारी बहुत ज़रूरी है और हमें रीडिंग आनी भी चाहिए ना प्रॉपर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करोगे। मैम ने आपको मैसेज डाला था कि आपने अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है। ऐसे आप कंप्लीट करोगे और उसको कवर करोगे, ऐसे कवर करके और उस पर अपना नेम स्लिप लगाओगे। नेम स्लिप लगाने के बाद उस पर अपना नेम मेंशन करोगे, अपनी क्लास, अपना सेक्शन, अपनी सब्जेक्ट नेम एंड स्कूल नेम, ओके? यस माय स्टूडेंट्स, टुडेज डेट इज 27 June 2020 एंड दिस इज आवर होमवर्क, ओके? लेट्स स्टार्ट साउंड रीडिंग। व्हाट इज साउंड रीडिंग? साउंड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय साउंड? साउंड होता है जब हम कुछ बोलते हैं, उसकी कैसी उसकी साउंड आ रही है, कौन से वर्ड की साउंड आ रही है और बोलते टाइम हमने कौन सा वर्ड लगाना है, लिखते टाइम कौन सा अल्फ़ाबेट लगाना है, किससे उसे स्टार्ट करना है, वो हम साउंड से देखते हैं, ठीक है? आज हम साउंड रीडिंग करेंगे। साउंड रीडिंग से हम समझेंगे कि इस और उस अल्फ़ाबेट में क्या डिफरेंस होता है। मैम आज आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताएंगे और रीडिंग करनी बताएंगे, ओके? लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। वेरी गुड। यस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे पहले हम करेंगे क। सी जो हम लिखते हैं, सी का कैट होता है, जो भी हमारी साउंड होती है इसकी साउंड है सिंगल, एक अकेले। सी की साउंड क्या है? क। सी की साउंड क्या है? क। और जब सी के साथ सी और एच लग जाता है, सी और एच, सी का कैट और एच अ हॉर्स दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वो च। क्या बन जाता है? च। सी एच की साउंड क्या होती है? च, ओके? चलिए हम इससे रिलेटेड वर्ड्स लिखते हैं अपने, ठीक है? देखेंगे कि इन दोनों अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। लेट्स स्टार्ट। और आप ये भी देखोगे कि मैम कैसे राइट करते हैं, आपने राइटिंग भी सीखनी है नीट एंड क्लीन, ओके? लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सी क, क से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, आप भी बताइए। आपने अभी किए थे ना, केजी में भी किए और आपको मैम ने फर्स्ट में भी करवा दिए हैं कितने ऐसे साउंड्स जो हमारे क से स्टार्ट होते हैं, ओके? लेट्स स्टार्ट। चलिए पहला तो हमारा सी क कैट। क्या है? सी क कैट। देखिए जैसे मैम ने राइट किया, यहाँ से आप टेल निकालोगे सुंदर सी और फिर इसको ऐसे घुमाकर क एट कैट। क्या बना ये? कैट। एक और ढूंढिए अभी, नेक्स्ट क से और कौन सा होता है? कप। क्या होता है? कप। क अ प, कप। ये क्या साउंड है? कप। अब ये भी देखिए, चाहे वो हमारा जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो वर्ड के स्टार्टिंग में आए चाहे वर्ड के एंड में आए, पर उसकी साउंड चेंज नहीं होती है। उसकी साउंड क्या रहेगी? क। क्या रहेगी? क, ठीक है? जैसे ये है क अ प कप, क ए ट कैट। अब हम एक और बनाते हैं क ए न कैन। क्या बन गया ये? क ए न कैन। क्या बना है बेटा? क ए न कैन। कैट क्या होती है? बिल्ली। कप क्या होता है? पीने वाला कप, जिसमें हम मिल्क पीते हैं या मम्मा टी पीते हैं, चाय पीते हैं ना, तो वो क्या होता है? कप। और कैन क्या होता है? कैन होता है एक जो टीन का बना होता है छोटा सा, जिसमें आपकी कोल्ड ड्रिंक भी आती है, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? कैन। और अब हम एक और वर्ड लिखते हैं इससे रिलेटेड। क्या लिखेंगे हम? जल्दी से आप लोग बताओगे अब मैम को
क्या लिखोगे जल्दी बोलिए। अब इससे रिलेटेड एक आएगा कूल, क्या लिखेंगे हम कूल। जैसे मैम लिखते हैं वैसे ही आप लोग राइट करोगे, ओके। क ऊ ल कूल, और कूल का मतलब क्या होता है ठंडा, क्या होता है ठंडा, ओके। चलिए अब हम च से रिलेटेड करते हैं अभी, ठीक है। चलिए च से रिलेटेड आपके क्या क्या होते हैं जल्दी बोलिए। चेस्ट, सबसे पहले तो आपने ईवीएस में किया था ना, चेस्ट क्या होता है चेस्ट। चलिए अब इसे रीड कैसे करोगे च। अब ये सी और एच जब एक साथ आए थे तो उसको आप साउंड करोगे च, क्या साउंड करोगे च। एस्ट, ई की साउंड क्या करवाई थी एह, स ट, तो क्या बन गया चेस्ट, क्या बना है चेस्ट, च एस्ट चेस्ट, च एस्ट चेस्ट। एक और करते हैं चलिए, चीज, जब आप बोलते हो ना चीज तो आपकी साउंड होती है च की, और चीज का मीनिंग क्या होता है, चेस्ट का मीनिंग क्या होता है छाती, है ना, आपने ईवीएस में रीड किया था ना छाती। तो चीज क्या होता है, आई होप कि सब बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है चीज, ठीक है। तो चीज की साउंड क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है पनीर, क्या होता है पनीर। तो चलिए इसको हम रीड करते हैं, कैसे करेंगे, पहले हम च को अलग करेंगे, च ई डबल ई आ गया तो ई स चीज, क्या हो गया ये चीज, च ई ज क्या बन गया ये चीज, क्या बना चीज। तो इनको हम जब भी हम वर्ड रीड करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर एक वर्ड को रीड करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलिए एक और करते हैं, चूज, क्या है चूज करना, किसी चीज को चूज करना, यस चूज, चूज करना क्या होता है, किसी चीज को चुनना, किसी चीज को वो अपने लिए चुनना, अपने लिए मतलब कहते हैं ना ढूंढना, चूज करना, सर्च करना, ठीक है चूज। अब इसको हम कैसे डिवाइड करके करेंगे, च सी एच की साउंड अलग आएगी, डबल ओ की साउंड ऊ आएगी, और इसकी साउंड हमने पहले भी की थी ज, ज क्या होती है, तो क्या बनाए च ऊ ज चूज, क्या होता है च ऊ ज चूज, ओके स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ आ रहे हैं। चलिए एक और राइट करते हैं हम, च ई न चिन, क्या बनाइए चिन, बताइए क्या होती है, सबसे पहले आप बताओगे मुझे। चिन होती है जो आपके फेस के नीचे सबसे एंड में होती है, ठोड़ी लिप्स के नीचे होती है ना, उसको क्या बोलते हैं चिन, ओके। तो चलिए इसको आप रीड करोगे अभी, मैम नहीं करेंगे, पहले च फिर ये, तो कैसे बनाइए, च सी एच की साउंड क्या है च, और आई एन की साउंड क्या है इन, च इन चिन, च इन चिन, च इन चिन, ओके स्टूडेंट्स। आपको ये मैम के क और च का डिफरेंस समझ आया, सी जो हमारा खाली होता है उसकी साउंड क्या होती है क, और सी एच जब होता है उसकी साउंड क्या होती है च, ओके यस यस स्टूडेंट्स। आपको क और च का समझ आया, अब आप राइटिंग करोगे, इन्हीं वर्ड्स को आप राइट करोगे अपनी नोटबुक में, ये आप पहले रीड करके फिर इनको समझकर अपने वर्ड भी बना सकते हो आप, ठीक है। आपको जो भी क और च के वर्ड्स याद आते हैं या अपनी बुक में ढूंढ के भी लिखोगे ना बेटा, तब भी आप सीख जाओगे, यस। चलिए अब आप मैम आपको बताएंगे कि आपने कैसे राइट करना है, जैसे ये है चौक, यहाँ से आप टेल उठाओगे ऐसे, और ये क ऐसे बनाने के बाद ये ऐसे, और ए ऐसे, एंड एल दैट्स इट, ये के चौक, क्या बन गया ये चौक, एंड दिस अगला है हमारा कॉल, क अ ल कॉल,
ऐसे आपने नीट एंड क्लीन बनाना है। और सी की जो यहाँ से उठानी है आपने उसकी टेल, ये क्या है? चेरी। क्या है? चेरी। तो चेरी आप सबको पसंद है ना, रेड कलर की होती है, बहुत सुंदर। और आप ये अपने नेक्स्ट पेज पर, इस पर नहीं, ये मैम ने आपको सिर्फ राइटिंग के लिए बोला कि ये आपने राइट करना है, आप इसे राइट करोगे अपने नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर डेट डालकर मेंशन करोगे ऐसे, डेट एंड देन आज का हमारा होमवर्क। ओके, ऐसे, वेरी गुड। और यहाँ पर आप अपना होमवर्क डालोगे एंड अपना होमवर्क स्टार्ट करोगे। ये कोई वर्क नहीं है बेटा, इससे आपकी रीडिंग एंड राइटिंग की जो स्किल है, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल शुड बी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, यस, हैव अ वंडरफुल डे, गुड डे।